सेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। जिला प्रमुख ने शिवसेना मुरादाबाद की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव आनंद दुबे को श्री राम की एक प्रतिमा व रामचरितमानस भेंट की। जिला प्रमुख ने बताया कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें से प्रमुख राम जन्मभूमि में शिवसेना की सहभागिता को खत्म कर देना खास मुद्दा रहा। शिवसेना प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा अयोध्या में बाला साहेब ठाकरे की 51 फीट ऊंची मूर्ति लगवाने व उद्धव साहब को रामलीला की मूर्ति स्थापना में आमंत्रित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान हर जिले में चलाया जाएगा। रिपोर्ट अजय सक्सेना। कोई मतलब नहीं है लड़ाई हमने लड़ाई तो होली भी हम मनाएंगे और दिवाली भी हम मनाएंगे और हर शाम हम करेंगे, लेकिन लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगी। और मुंबई के अंदर हम फिर आपसे माननीय दुबे जी आपसे निवेदन करते हैं कि जिस तरह से आज आप आयो हम आपका दिल का अभिनंदन करते हैं। अब राष्ट्रीय नेताओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर शिव सैनिक पिछड़ा, उत्तर प्रदेश के अंदर शिव सैनिकों का दे दिया, आज ऐलान कर देना चाहिए कि हर शिव सैनिक एक हस्ताक्षर अभियान चलाएगा, उसके वार्डों में हस्ताक्षर होंगे, जिलों में जिला स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलेगा, तहसील स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलेगा और दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर शिवसेना का बड़ा बड़ा नेता इस आवाज को उठाए और यहाँ से लेकर हम अयोध्या तक कूच करेंगे। आज 8 जनवरी 2024 को ये तय किया गया कि उत्तर प्रदेश शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में होगी। इस कार्यक्रम में स्पेशल मुझे मुंबई से भेजा गया है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मेरी इच्छा है कि जो संगठन पिछले 30-40 वर्षों से निरंतर कार्य करता आ रहा है उसको और गति मिलनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ 30 सालों से मित्रता रखे हुए थे, बहुत जगह पर हमने उनको सहयोग किया कि भाई तुम फलो फूलो, लेकिन फलते फूलते हुए उन्होंने हमें ही समाप्त करने की भूमिका बना डाली। और आपने देखा कि राम मंदिर आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी और शिवसेना की रही है, लेकिन आज उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को न्योता तक नहीं दिया जा रहा, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम यही प्रदेश की जनता को बताने आए हैं कि हम आपके अपने लोग हैं, ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। भले ही आज अहंकारी सरकार केंद्र में और राज्य में बैठ गई है, लेकिन हम राम भगवान को लेकर उतने ही उत्सुक हैं जितने की भारतीय जनता पार्टी, बल्कि मुझसे ज़्यादा हैं। हम रामलला भगवान के मंदिर निर्माण में ज़रूर आएंगे, भले हम 22 तारीख को नहीं आ पा रहे हैं प्रोटोकॉल की वजह से, लेकिन उसके बाद आएंगे, निरंतर पूरे जीवन आते रहेंगे, क्योंकि हम सब राम भगवान के पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टियां हैं। हमारे नेतागण हमेशा कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो हम लोग वचन देते हैं कि जीवन भर साथ रहेंगे तो साथ रहेंगे। चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को समाप्त करना चाहती है, वो बहुत ही अहंकार में है, तो उन्होंने हमें शायद इस कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया है, ये सोच के कि हम शायद उस लायक नहीं होंगे। ये उनकी सोच और विवेक बुद्धि पे मैं छोड़ता हूँ, बट प्रदेश की जनता, लखनऊ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा शिवसेना का वही सम्मान करते आई है जो आज कर रही, जो कल भी करेगी। तो हम अपनी पार्टी को मजबूत करने आए हैं, अपने संगठन को गति और शक्ति प्रदान ज़्यादा हो, उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, राम भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं, और 22 के बाद जरूर हम अयोध्या वापस आएंगे। मीटिंग रखी गई है 10 तारीख को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, उसके बाद हम लोग प्रदेश में किस तरह से अपने अपने जनपदों में संगठन को तैयार करेंगे। जैसा कि हमारा संगठन का सिद्धांत है 80% समाज कारण, 20% राजकारण, तो समाज में हम अपनी गतिविधियों को किस तरह से चलाएंगे और प्रदेश में किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे, इस विषय पर हमारी बैठक है उत्तर प्रदेश से लेकर।